सो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पे एडवांस सर्वर के बारे में। जैसे गाइस आप लोगों को पता है आज हम लोग का 13 तारीख और आज के दिन हम लोग का एडवांस सर्वर डाउनलोड होने वाला था, लेकिन गाइस आप लोग स्क्रीन पे देखो यहाँ पे मैं वेबसाइट के अंदर आ चुका हूँ लेकिन एडवांस सर्वर डाउनलोड भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं कितना बार भी क्लिक कर रहा हूँ तो एडवांस सर्वर डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो देखो आज के इस वीडियो अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर पाओगे, कैसे आप लोग इंस्टॉल कर पाओगे, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा स्किप मत करना, लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल में पहले बड़े हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए प्रॉपर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर लेके आ जाता हूँ। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आओगे तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर देखो मिल जाएगा एडवांस सर्वर, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास एडवांस सर्वर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ्री फायर एडवांस सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन मिल रहा है लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखो मेरा एडवांस सर्वर यहाँ पे ओपन भी हो रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी एरर यहाँ पे देखो नहीं मिल रहा है, इजीली एडवांस सर्वर यहाँ पे ओपन हो रहा है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडवांस सर्वर ओपन भी हो चुका है। तो देखो आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने एडवांस सर्वर कहाँ से डाउनलोड किया और हम लोग का डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। तो चलो गाइस आपको ए टू जेड अच्छे से बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जितने बंदे चैनल पर नहीं हो पहली बार हो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो आप लोगों ने पहले प्रूफ देख लिया कि मैंने एडवांस सर्वर डाउनलोड कर लिया, ओपन भी करके आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं कि आप लोग एडवांस सर्वर को डाउनलोड कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो देखो काफ़ी सारे लोग ऑफिशियल तरीके से डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइस आप लोग क्या कर सकते हो, इस वाली वेबसाइट के अंदर आ सकते हो और यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे 2 बजे के बाद यहाँ से डाउनलोड लेना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 12 बजे के बाद, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। ठीक है, इन तीनों टाइम में आप लोगों को कभी भी डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और आप लोग एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन आप लोगों को पता है मैंने 2 दिन पहले ही एडवांस सर्वर सबको दे दिया था डाउनलोड करने के लिए। तो देखो मैंने जैसे एडवांस सर्वर को वहाँ से डाउनलोड करने के लिए दिया, अगर आप लोग वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को यूट्यूब ओपन करना है। ठीक है, और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे मेरा चैनल देखो मिल जाएगा, सिंपल से मेरे चैनल पे आ जाना और जो वीडियो होगा, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो को क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट करने वाला जो जगह होता है, ठीक है, कमेंट करने वाला या फिर जो डिस्कशन होता है हम लोग का, ये वाला डिस्कशन टाइटल, ठीक है, इस पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, या फिर डिस्कशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे कैसे आपको एक लिंक मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, इस लिंक पे क्या है ना क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने देखो कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको कुछ देर यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, कुछ देर रुकने के बाद देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो टाइमिंग चल रहा है इस टाइप से आपको यहाँ पे रुक जाना है, कुछ देर आप लोग यहाँ पे रुकना है, 15 सेकंड, 10 सेकंड आपको रुकने के लिए बोल रहा है, आप लोग यहाँ पे रुक जाना। ठीक है, जैसे कैसे आप लोग यहाँ पे कुछ समय रुकोगे उसके बाद कैसे यहाँ पे जैसे टाइमिंग खत्म होगा आपके सामने देखो कुछ इस टाइप से फिर आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग वेरीफाई क्लिक करोगे प्लीज वेट आएगा, उसके बाद आपको नीचे आएगा वेरीफाई स्क्रॉल डाउन टू कंटिन्यू फॉर योर जो भी है। ठीक है, डिसीजन आप लोग को नीचे आना है और देखो नीचे यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, और नीचे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक स्टेप देखो मिलेगा। ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेप भी दिया हुआ, स्टेप 1, स्टेप 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करना है, बस आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे फिर से टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को बस कितना 45 सेकंड, ठीक है, 45 सेकंड आप लोग को वेट करना है, 3 बार बस इसी टाइप से खुलेगा, बस आप लोगों को इसी टाइप से करना है। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग खत्म होगा, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद नीचे आना, कंटिन्यू करना। ठीक है, बस आप लोगों को 3 बार करना है। ठीक है, मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ।
तो गाइस आप लोग स्क्रीन पे देखो यहाँ पे मैंने तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिया, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऊपर के साइड देखो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिला है, सिंपल आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप में आ जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आपको यहाँ पे देखो एक टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग तो वेट करना, वेट करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे देखो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, मतलब ग्रेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करोगे कुछ इस टाइप आ जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और यहाँ पे देखो डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे 1 GB देखो मिल जाएगा, नाम भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तब जाके डाउनलोड करना, यहाँ पे 1 GB लिख के आएगा तभी डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड अगेन पे क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो डाउनलोड लेना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। मेरे को डाउनलोड नहीं करा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको इजीली इंस्टॉल कर पाओगे और इंस्टॉल करके ओपन भी कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग अपने फोन के अंदर एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर पाओगे अभी के टाइम पे। अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग 2 बजे के बाद कर पाओगे, ठीक है। बाकी चलो जितना भी इंफॉर्मेशन था सब कुछ मैंने इस वीडियो अंदर को बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं और वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, चेंज फॉर द मातरम।